लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भाजपा का अंत निकट, अब कांग्रेस की बारी। डीडवाना तहसील के मंडूकरा गांव से रविवार को कांग्रेस ने इस साल होने वाले चुनाव का शंखनाद कर दिया। मौका था पूर्व विधायक रूपाराम डूडी की प्रतिमा अनावरण का। पूरा कार्यक्रम चुनाव, किसान और नागौर जिले की राजनीतिक अहमियत पर केंद्रित रहा। इसमें जहां कांग्रेस ने हजारों की भीड़ जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं अपनी एकजुटता भी दिखाई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश सहित गहलोत सरकार में मंत्री रहे कई नेता व पूर्व विधायक सहित जिले के अनेक कांग्रेसी नेता मौजूद थे। पायलट ने रूपाराम डूडी की प्रतिमा का अनावरण किया। भाजपा की विदाई पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में भाजपा की विदाई तय है और कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। कांग्रेस की यह सरकार किसान, मजदूर, गरीब, युवा, महिलाओं की होगी। प्रदेश की जनता जैसी सरकार चाहेगी, हम वैसी ही सरकार बनाएंगे। पायलट ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के झूठे झांसे दिए, जबकि हालात बिल्कुल विपरीत है। आज VCR भर भर कर किसानों की कमर तोड़ दी गई। डीजल, बिजली, खाद, बीज के दाम बढ़ा दिए गए। किसान कर्ज माफी के लिए भटक रहा है, मजबूरी में आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता पर घमंड हावी है, काम के नाम पर झूठे वादे किए गए। न 15 लाख लोगों के खाते में आए, न बेरोजगारों को रोजगार मिला। पायलट ने कर्ज माफी पर तानस कसते हुए कहा कि आज 50,000 में अच्छी भैंस भी नहीं आती। पायलट ने अफसरों को कहा कि वे कानून के दायरे के बाहर रहकर कार्य करेंगे और भ्रष्टाचार को पनपने देंगे तो वाली सरकार हमारी है, सख्त कार्रवाई करेंगे। जुझारू नेता थे रूपाराम। पायलट ने कहा कि पूर्व विधायक रूपाराम डूडी जुझारू नेता थे। वे हमेशा जनता और किसान वर्ग से जुड़े रहे। उन्होंने पूरी जिंदगी किसानों के हितों की आवाज उठाई और उनके लिए संघर्ष किया। उनके असमय चले जाने से किसानों ने सच्चा नेता खो दिया है, जिसकी भरपाई करना काफी मुश्किल है। सरकार के एजेंडे में नहीं किसान गरीब। इस मौके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मोहन प्रकाश ने कहा कि रूपाराम ने जिन उसूलों और वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी, आज उसका सम्मान है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों की सुनवाई होती थी, मगर अब उन पर अत्याचार होते हैं। मोदी सरकार के एजेंडे में किसान गरीब नहीं है, इसलिए किसानों, मजदूरों को अपनी अहमियत साबित करनी होगी। प्रकाश ने कहा कि मोदी और वसुंधरा सरकार सरकार के 4 साल का जश्न मना रहे हैं, जबकि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बैंकिंग व्यवस्था ठप हो गई, पैसा लेकर मोदी के दोस्त भाग रहे हैं, रोजगार घट रहा है, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज महंगाई दायर नहीं बल्कि विकास हो गई है। इन्होंने भी किया संबोधित। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मास्टर भवनवर लाल ने रूपाराम डूडी को सहज व जुझारू प्रवृत्ति का भाव का व्यक्तित्व बताया, जबकि पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने महादेव व गंगा मैया को भी ठग लिया तो जनता की क्या बिसात है। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मूर्ति अनावरण से रूपाराम पुन जीवित हो उठे हैं, अब उनके आदर्शों व संघर्षों को आत्मसात करने की जरूरत है। लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह टोडासरा ने कहा कि सच्चे किसान नेता रूपाराम की मूर्ति का अनावरण सच्चे किसान नेता पायलट के हाथों होना गौरव की बात है। उन्होंने मंत्री यूनुस खान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने PPP मोड पर सड़कें बनाई, मगर जनता इस सरकार की PPP बजा देगी। इसके अलावा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत, नामा के पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी ने भी अपने विचार रखे। जिस खेत में हल चलाया उसी में लगाई मूर्ति। पूर्व विधायक डूडी के पुत्र व PCC सचिव चेतन डूडी ने पूर्व विधायक की जीवनी के बारे में बताते हुए कहा कि उनके पिता रूपाराम डूडी ने इसी खेत में हल चलाकर पसीना बहाया था। आज उसी खेत में उनकी मूर्ति लगाई गई है ताकि उन्हें डूडी के जीवन से प्रेरणा मिलती रहे। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ने किसानों व गरीबों के लिए हर समय संघर्ष किया, उनके हक व अधिकार के लिए आवाज उठाई, नहरी पानी लाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। यही वजह है कि आज नहरी पानी पहुंचा है, जिसका श्रेय आज भाजपा सरकार लेना चाहती है। उन्होंने सानिवी मंत्री यूनुस खान व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। 51 किलो की माला पहनाई, हल भेंट चेतन डूडी व उनके समर्थकों ने पायलट व कांग्रेस महासचिव मोहन प्रकाश को 51 किलो की माला पहनाकर अभिनंदन किया। साथ ही पायलट को हल भेंट कर किसानों के लिए आंदोलन चलाने पर आभार जताया गया।
डूडी की पत्नी का सम्मान कार्यक्रम में सचिन पायलट ने रूपाराम डूडी की पत्नी चंदा देवी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। मंच पर चढ़ने को लेकर उलझे कार्यकर्ता कार्यक्रम में जब पीसीसी चीफ पहुंचे तो कुछ उत्साही कार्यकर्ता भी उनके साथ मंच पर चढ़ने लगे। इस पर व्यवस्था संभाल रहे कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, जिस पर कार्यकर्ता आपस में उलझ पड़े। ये थे मौजूद कार्यक्रम में स्वामी ओमदास, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, पूर्व विधायक भंवर सिनोदिया, पूर्व मंत्री मंजू मेघवाल, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, रणवीर पहलवान, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, नागौर सभापति कृपाराम सोलंकी, सुजानगढ़ के पूर्व प्रधान पूसाराम गोदारा, आरपीएसी के पूर्व अध्यक्ष हबीब खान गौरान, पूर्व अतिरिक्त डीजी पुलिस आरपी सिंह, आईपीएस सवाई चौधरी, लियाकत अली, रामू राम साख, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री महेश शर्मा, प्रदेश सचिव जसवंत गुर्जर, डीडवाना प्रधान गुला राम ढाका, मौलासर प्रधान डाला राम भाकर सहित अनेक कांग्रेस नेता मौजूद थे।